सरकार द्वारा तीन कृषि बिल पास किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन असली के बैनर तले किसानों ने मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए तीनों कृषि बिलों की वापसी की मांग की और जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा। भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय महासचिव महक सिंह के नेतृत्व में किसानों ने मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की और एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार द्वारा जो तीन कृषि बिल संसद में पास कराए गए हैं उनसे देश के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन बिलों की वापसी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तीनों कृषि बिल को सरकार वापस ले। इसके अलावा किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की ठोस व्यवस्था कराई जाए और ये केवल कारपोरेट घरानों के फायदे के लिए लाए गए हैं तीनों बिल। इनसे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम लोग इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आप लोग इन बिलों को वापस ले लीजिए और किसानों से सलाह मशवरा करने के बाद भी अच्छी किसान पॉलिसी बनाइए। क्या मानते हैं इस बिल से किसानों को किस तरह का नुकसान होगा? इन बिलों से पूरा किसान, पूरी खेती की व्यवस्था सब अंबानी और अडानी के हाथों में चली जाएगी। अंबानी और अडानी किसानों का शोषण करेंगे और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्या मुख्य मांग है आपकी? मुख्य मांग ये है कि कारपोरेट घरानों के चंगुल से हमें बचाया जाए। हमें जो व्यवस्था पहले से चल रही थी उसी में किसानों से सलाह मशवरा करके कोई ठीक से नया कानून लाया जाए। ये जो अंबानी अडानी के ड्राइंग रूम में बैठ के जो तीन बिल बने हैं इन्हें हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करते। अगर इसमें संशोधन किया जाता है तो इसमें आप क्या मानते? नहीं, संशोधन क्या, जब एक बिल बना ही गलत जगह बैठ के है, जब अंबानी और अडानी के गेस्ट हाउस में बैठ के बना है